हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार चंदी पर बायोलॉजी क्लास है हॉस्टल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्टल है तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से। तो ऐसे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एनेक्जर 1 एंड 2 एज पर एडवर्टाइजमेंट कास्ट सर्टिफिकेट परफॉर्मर 80 से। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करना अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, नहीं तो आप जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट है, फिर 25 जुलाई को हो चुका है, लास्ट डेट है 23 अगस्त, और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसीव करने की वो 2 सितंबर है। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे 1 एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी देखने को मिलेगी, बॉटनी में 1 प्रोफेसर में, 1 एसोसिएट प्रोफेसर में, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स और सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे इन्होंने जो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपका पे ग्रेड का, तो यहाँ पे अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल 13 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 का जो है यहाँ पे पे ग्रेड आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रोफेसर की, तो अगर आप यहाँ बॉटनी केमिस्ट्री टूरिज्म मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए और आपको 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे इन्होंने एसेसर क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो ये सब क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका पीएचडी डिग्री, 55% मार्क्स आपका लाइक एमएससी में होना चाहिए, और मिनिमम 8 ईयर्स का टीएचडी का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, इसके अलावा आपका सीएसआई यूजीसी नेट क्लियर हुआ होना चाहिए। वहीं अगर आप पीएचडी 2009 से पहले आपने रजिस्टर किया है तो आपके पास यहाँ पे पीएचडी डिग्री होना चाहिए, और आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको नेट का सर्टिफिकेट जो है वो एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे है, तो अगर आपको नेट नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मैसेज कर रखा है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, तो आपका एज प्रूफ यानी कि आपने 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, चाहिए एज प्रूफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सबका आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए अगर आप जो है कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको सेंड करना है टू द रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ट्रांसिट कैंपस कोंडारकरम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग 23 अगस्त है। ठीक है, तो अगर आप इसको इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पे जो faculty.recruitment@cityuap.ac.in पर जाके जो है आप इसके लिए जो है अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।